तो नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे पास ये साउंड आया हुआ है दोस्तों, और इसका दोस्तों चार्जिंग पिन जो है दोस्तों मैंने ठीक किया था, मतलब ठीक किया था, सॉरी ठीक करूँगा। और दोस्तों इसमें जो दोस्तों एक बार ये पहले भी आया हुआ था दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें जो है मतलब ये वो शायद साउंड के कुछ ऐसा नहीं आ रहा था जो कि मैंने ठीक किया था। और इसमें जो है शायद आईसी के किसी चीज़ का प्रॉब्लम था, क्वाली आईसी का प्रॉब्लम था दोस्तों। तो आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दोस्तों चार्जिंग पिन टूटा हुआ दोस्तों, और इसको जो दोस्तों सटीक से लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बगल में लाइट है दोस्तों, थोड़ा हिसाब से लगाना पड़ेगा, बगल में लाइट है। और देखिए कैसे लगाएंगे, और कोशिश करूँगा जो अच्छा से अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आपको दिख रहा हो दोस्तों, ये इसका चार्जिंग पिन टूटा हुआ है, थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों, है ना, इसका चार्जिंग पिन जो है टूट गया है। तो सर थोड़ा सावधानी से दोस्तों आपको चार्जिंग पिन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना है दोस्तों, इसको किट को बाहर निकाल लेना है दोस्तों। ये आपका रहा, किट को बाहर निकाल दिया मैंने। और तो टोटल दोस्तों सोल्डिंग जो इसका वायर जो भी दोस्तों खोल देना है आपको। तो दोस्तों ये देखो मैंने खोल दिया है। और दोस्तों जो है अब क्या करना है दोस्तों, इसको साइड कर देना है थोड़ा सा। और इसको दोस्तों अब जो चार्जिंग पिन जो है रिमूव करना है यहाँ से। तो सोलर आयरन से तो होगा ना दोस्तों, क्योंकि सोलर आयरन से रिमूव करेंगे तो पिन भी उखड़ जाएगा। तो होल्डगन जो है उससे करेंगे दोस्तों। तो क्या करना दोस्तों, देखिए दोस्तों आप जरूरी इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी आईसी है दोस्तों, 5 ले का आईसी है दोस्तों यहाँ पे, ये पीएफ है और ये एलईडी है दोस्तों। तो ये सबको बचा के थोड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करना है दोस्तों वो आप देख लो। तो इसको तो सबसे पहले इसमें जो है स्टैंड में मैंने लगा देता हूँ। ये मोबाइल का स्टैंड है दोस्तों, आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो ऐसे भी आप जो है कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ से दाब के जो है आप कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों मैंने लगा दिया है, और इसको जो है कुछ जिससे टाइट कर देता हूँ मैं। चलो कुछ नहीं है तो ऐसे इसको देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया है। और अब क्या करना है दोस्तों, ये एलईडी पे इसको जो है चार्ज मतलब लगा देना, ताकि एलईडी पे हीट ना जाए दोस्तों, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। और इस पर भी दोस्तों ये लगाना है, तो पहले लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों हम जो है कोई मोबाइल का जो दोस्तों वो जो ऊपर मेरे पर वो जो टीना रहता है दोस्तों, इसको उखाड़ के हटा के दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने, ताकि सामान को जो है दिक्कत ना पहुंचे दोस्तों। और थोड़ा सा इसका दोस्तों पेस्ट जो है दोस्तों इसमें लगा दिए हैं, ताकि जल्दी उखड़े, क्योंकि बगल में है दोस्तों ये सामान एलईडी वगैरह है, तो थोड़ा सा क्यों डिक से लिए दोस्तों, थोड़ा मेहनत ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों होटगन है मेरे पास, ये आपको दिख रहा है, होटगन से दोस्तों अब क्या करना है, उखाड़ना है। तो दोस्तों देखिए उखड़ गया है, देखिए दोस्तों ये उखड़ गया है, और कहीं से कोई ऐसा दिक्कत तो हुआ नहीं दोस्तों, कहीं से ये दिख रहा है दोस्तों। अब इसको चार्जिंग पिन लगा देते हैं। अब दोस्तों फिर से इसको हटा देते हैं, अब इसको अपना जगह पर रख देते हैं दोस्तों। अब इसको चार्जिंग पिन कैसे लगाएंगे वो भी देख लो दोस्तों। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा मत चार्जिंग पिन जल्दी टूटे ना तो नहीं, तो उसके लिए क्या ध्यान दिया जाए दोस्तों, पहले दोस्तों इस जगह भी सोल्डिंग कर दीजिएगा, हल्का सा पेस्ट मार के दोस्तों सोल्डर मार के हल्का सोल्डिंग कर दीजिएगा, हल्का हॉटगन से हीट दे दीजिएगा दोस्तों, तो किट में भी बैठ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लास्टिंग करेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। कस्टमर ही बोलेगा नहीं अच्छा चार्जिंग पिन टिकता है। उसके बाद दोस्तों ये समय भी इसमें भी हल्का सोल्डिंग लगा दीजिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, आराम से इजी वे में हो जाए। इसमें भी हल्का पेस्ट लगा दीजिए दोस्तों। तो देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये रहा आपका सोल्डर, ये रहा, ये मैंने कर दिया दोस्तों। अब डायरेक्ट जो है दोस्तों किट में बैठा देते हैं। तो दोस्तों चारों बल दोस्तों सोल्डिंग कर दिया अच्छे से आप, ताकि ये मजबूत रहे। और इस कोना में भी दोस्तों अब जो है सोल्डिंग अच्छा से कर दें, ताकि मजबूती इसका ज़्यादा अच्छा रहे दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों, अब क्या करना दोस्तों, थोड़ा होटगन से दोस्तों हल्का सा मार देना दोस्तों, ताकि ये और भी ज़्यादा फिक्स हो जाए, जल्दी उखड़े नहीं दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, होटगन से एकदम हल्का देना दोस्तों, ऐसा नहीं कि पिन ही खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। चलिए दोस्तों ये आपका पकड़ लिया है,
इस तरह से दोस्तों जो है पिन लगाएं आप, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।